फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडीसी रेसिपीज। आज मैं आपको राई और सरसों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी। ये बहुत से लोगों ने कहा है कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, दोनों एक जैसे देखते हैं, तो राई और सरसों में दोनों को एक दूसरे के लिए यूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके टेस्ट में भी फर्क होता है और उनके साइज में भी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल डीडीसी रेसिपीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारी सरसों और ये है राई। मैं दोनों के बीच का डिफरेंस एक एक करके आपको बताऊंगी। इसको आप देखिए, ये कितने मोटे मोटे दाने वाली है, आप इसको देख सकते हैं। इसके जो सीड है वो मोटे है, ये बड़े दाने की होती है, जैसे आप देख सकते हैं। इसका कलर ब्लैक कलर का होता है, इसे हम इंग्लिश में ब्लैक मस्टर्ड कहा जाता है। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा ग्रो करती है और इससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हम घर पे यूज करते हैं, वो हम इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसका यूज जो है वो छौके में यूज होता है। हम सब्जी, दाल, किसी भी चीज के छौके में इसको डालें तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ढोकला हम बनाते हैं, उत्तपम बनाते हैं, सांभर बनाते हैं, उसमें इसका छौका लगता है, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू की भी है, वो मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी। ये एशिया, यूरोप एंड इटली में भी बहुत यूज होती है। ये हमारी राय है, इसके देखिए दाने बहुत ही पतले हैं, बहुत ही छोटे हैं। दोनों है तो राउंड शेप में, बट दोनों में डिफरेंस है। इसको इंडिया में राई कहा जाता है और इंग्लिश में इसको चाइनीज ब्राउन मस्टर्ड कहते हैं, क्योंकि ये ब्राउनिश कलर की होती है और इसका साइज इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। ये हिमालयन रीजन में मिलती है और ये जो है बहुत ही यूजफुल होती है। इसको हम थोड़ा सा, इसका टेस्ट जो है सार होता है, खट्टा होता है, तो इसको हम नॉनवेज में, इसका पेस्ट बना के नॉनवेज बनाने में यूज करते हैं। उत्तराखंड में इससे बहुत ही टेस्टी रायता बनाते हैं और इसको हम पिकल बनाने में भी यूज करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसका एक सार टेस्ट है। ये भी 15 रुपए पर ग्राम के हिसाब से किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊंगी। टिल देन गुड बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।